दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी, बी वर्ड्सवर्थ। ये जो बी है इसका मतलब है ब्लैक, और ये कहानी इस बी वर्ड्सवर्थ और एक बच्चे के बीच का है। तो दोस्तों, अब देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं और नज़र डालते हैं इसके प्लॉट पर। ये बच्चा नैरेटर है, यानी कि यही पूरा स्टोरी को नैरेट कर रहा है। तो ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट होता है माइगुएल स्ट्रीट से। तो इस स्ट्रीट में जितने भी बेगर्स हैं, यानी कि जितने भी फकीर हैं, वो सबके घर में जा रहे हैं पैसे मांगने के लिए। तो अब इसी स्ट्रीट में आता है बी वर्ड्सवर्थ, और ये जो बी वर्ड्सवर्थ है ये जाता है नैरेटर के घर, यानी कि इस बच्चे के घर। इसने एक सर पर टोपी पहन कर रखा है, और इसका हाइट जो है वो छोटा है, और ये वाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का ट्राउज़र पहन कर है। तो ये अब इस बच्चे के घर आया है, और ये अभी बच्चे के घर में है, और ये जो बच्चा है ये इससे पूछता है कि आपको क्या चाहिए। तो ये बी वर्ड्सवर्थ रिप्लाई में कहता है कि तुम्हारे घर के पास जो तुम्हारा गार्डन है, मुझे उस गार्डन में 20 यानी कि मधुमक्खियों को देखना है। तो ये बात सुनकर ये जो लड़का है ये जाता है अपनी मम्मी के पास सीढ़ियों में चढ़कर। तो ये अपनी मम्मी के पास आकर सभी बातें बताता है, तो इसकी जो मम्मी है ये गुस्सा हो जाती है, और अब इसकी मम्मी इसके साथ नीचे जाती है, और अब यहाँ बी वर्ड्सवर्थ से इसकी मम्मी बात करती है और पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वर्ड्सवर्थ बताता है कि मुझे आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ देखना है। और ये सब बातें जो वर्ड्सवर्थ बता रहा है ये सब ये इंग्लिश में कह रहा है, सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे इंग्लिश में। तो बी वर्ड्सवर्थ का इंग्लिश को सुनकर इसकी जो माँ है ये कंफ्यूज हो जाती है, और ये मान जाती है, और ये चुपके से अपने बेटे को बोलती है कि तुम जाओ इसके साथ गार्डन में और देखते रहना इसको। तो अब ये लड़का और वर्ड्सवर्थ ये दोनों जाते हैं गार्डन में। तो यहाँ गार्डन में एक घंटे बाद ये जो बी वर्ड्सवर्थ है ये इस लड़के से पूछता है कि क्या तुम्हें मधुमक्खियाँ देखना पसंद है। तो ये लड़का कहता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता ये सब चीज़ों के लिए। ये सुनने के बाद वर्ड्सवर्थ कहता है कि मुझे चूटियाँ, बिच्छुए और जो मधुमक्खियाँ है मुझे बहुत ही पसंद है। तो अब ये लड़का वर्ड्सवर्थ से पूछता है कि आप वैसे क्या करते हैं। तो वर्ड्सवर्थ कहता है मैं एक पोएट हूँ, यानी कि कविता लिखने वाला। और ये वर्ड्सवर्थ ये भी कहता है कि ये दुनिया का सबसे अच्छा कवि है। तो अब ये लड़का वर्ड्सवर्थ से इसका नाम पूछता है, तो ये अपना नाम ब्लैक वर्ड्सवर्थ बताता है, और ये भी बताता है कि इसका एक भाई है जिसका नाम है वाइट वर्ड्सवर्थ, यानी कि डब्लू वर्ड्सवर्थ। और अब ये वर्ड्सवर्थ इस बच्चे को कहता है कि मैं सुबह को चमकती हुई प्लांट को देखकर रोता हूँ। तो ये जो लड़का है ये पूछता है आप क्यों रोते हैं। तो ये वर्ड्सवर्थ कहता है कि क्योंकि मैं कवि हूँ तो मुझे सब चीज़ों को फील करना पड़ता है, और मुझे इसके लिए कभी कभी रोना भी पड़ता है। और अब ये जो वर्ड्सवर्थ है ये इस बच्चे से पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी माँ पसंद है। तो ये जो बच्चा है ये कहता है हाँ, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब वो मुझे नहीं मारती। तो अब ये जो वर्ड्सवर्थ है ये अपनी जेब से, यानी कि अपने पॉकेट से एक प्रिंटेड पेपर निकालता है जिसपे एक पोयम लिखा हुआ है। तो ये वर्ड्सवर्थ कहता है कि इस पेपर में माँ के बारे में बहुत ही ग्रेट पोयम, यानी कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही ग्रेट पोयम इसमें लिखा है, अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मुझे 4 सेंट्स दो। तो अब इस बच्चे के पास तो पैसे नहीं है, तो ये बच्चा जाता है अपनी माँ से पैसे मांगने। तो इसकी माँ बहुत ही रूड हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं दिलाऊंगी। तो ये जो बच्चा है ये वर्ड्सवर्थ को जाके कहता है कि मेरे माँ के पास अभी 4 सेंट्स नहीं है।
तो अब ये जो बच्चा है ये वर्ड्सवर्थ को कहता है कि क्या ये मजाकिया यानी कि क्या ये फनी नहीं है, आप ऐसे तरीके से अपने पोएम्स को बेच रहे हैं। तो ये जो वर्ड्सवर्थ है ये कहता है कि आज तक मेरा एक भी पोएम सोल्ड यानी कि बिक्री नहीं हुआ, लेकिन मुझे पोएम्स बेचना पसंद है क्योंकि मुझे इससे नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो ये बच्चा अब कहता है ओके, और अब ये वर्ड्सवर्थ यहाँ से जा रहा है। तो ये जो बच्चा है ये कामना करता है यानी कि ये विश करता है ये दोनों फिर से दोबारा मिले। और अब एक हफ्ते बाद ये जो बच्चा है यानी कि ये जो नैरेटर है ये वर्ड्सवर्थ से फिर से मिलता है। तो अब ये दोनों दोबारा मिले हैं और ये वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा ही वेट कर रहा था ताकि मैं तुमसे मिल सकूँ। तो ये जो बच्चा है ये वर्ड्सवर्थ से पूछता है कि क्या आपका कोई भी पोयम बिक्री हुआ। तो ये जो वर्ड्सवर्थ है ये कहता है कि नहीं, और ये अपना सर को भी झुका लेता है। तो अब ये जो वर्ड्सवर्थ है ये इस बच्चे से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ, मेरे गार्डन में बहुत सारे मैंगो ट्रीज़ है और उन ट्रीज़ में बहुत सारे अच्छे अच्छे मैंगोस है, तो इसलिए मैं तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ ताकि तुम उन मैंगोस को टेस्ट कर सको। और ये जो बी वर्ड्सवर्थ है ये रहता है एल्बर्टो स्ट्रीट में। तो ये बच्चा और बी वर्ड्सवर्थ जाते हैं यहाँ पर, और ये वर्ड्सवर्थ का एक रूम का घर है। तो अब वर्ड्सवर्थ के घर आकर ये बच्चा देखता है कि इस वर्ड्सवर्थ का बहुत सारे ट्रीज़ है और ट्रीज़ में मैंगोज़ भी है। तो ये बच्चा जो है ये मैंगोज़ खाता है और ये मैंगोज़ को खाते समय अपने पूरे कपड़े को गंदा कर लेता है, और इस बच्चे ने यहाँ पर 6 मैंगोस खाए। तो अब ये बच्चा यहाँ से जाता है घर। तो घर पर इस बच्चे की जो माँ है ये देखती है कि ये अपना पूरा कपड़ा गंदा कर कर आया है। तो इसकी जो माँ है ये इसे बहुत मारती पीटती है और इससे इस बच्चे के नाक से खून भी गिरता है। और ये बच्चा अब इस घर को छोड़कर जा रहा है और ये जाते समय कस कर चिल्ला कर अपनी माँ को कहता है कि मैं फिर से दोबारा नहीं लौटूंगा। तो अब नैरेटर इस वर्ड्सवर्थ के घर जाता है और यहाँ पर आकर ये बहुत रो रहा है क्योंकि इसके नाक से ब्लीडिंग हो रहा है। तो ये जो वर्ड्सवर्थ है ये कहता है कि तुम रो मत, अगर तुम अपना रोना बंद कर दोगे तो हम वॉक पर जाएंगे। तो ये दोनों अब वॉक पर जाते हैं इस जगह पर, और यहाँ पर एक रेस कोर्स है। तो यहाँ घास पर ये दोनों लेट जाते हैं और ये जो वर्ड्सवर्थ है ये कहता है कि ऊपर तारे को देखो, हम इन तारों से कितने दूर है। अब इन दोनों के फेस पर कुछ फ्लैश लाइट जलता है और वो जो फ्लैश लाइट है वो पुलिस का है। तो एक पुलिस आकर इन दोनों के पास कहता है वर्ड्सवर्थ से कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो अब ये जो वर्ड्सवर्थ है ये बहुत ही अजीब सा जवाब देता है, ये कहता है कि मैं ये सवाल अपने आप से 40 सालों से कर रहा हूँ। तो यहीं पर ये मैटर अब ख़त्म हो जाता है। तो ये जो वर्ड्सवर्थ है अब इस बच्चे से कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को भी मेरे बारे में और ट्रीज़ यानी कि जो मैंगोस ट्रीज़ था उसके बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे। तो ये जो बच्चा है ये प्रॉमिस कर देता है, और अब इसके बाद से ये दोनों बहुत ही बार मिलने लगते हैं। और ये जो बच्चा है ये अब एक दिन जाता है फिर से इस वर्ड्सवर्थ के घर मिलने के लिए। तो यहाँ पर ये बच्चा देखता है कि ये जो वर्ड्सवर्थ है ये बीमार है और ये सोफ़ा में लेटा हुआ है, और वर्ड्सवर्थ का चेहरा को देख कर लग रहा है कि ये अब मरने ही वाला है। तो अब ये बच्चा वर्ड्सवर्थ की तरफ बढ़ता है और ये जो वर्ड्सवर्थ है ये इस बच्चे को अपने गोद में बैठा लेता है। और अब ये वर्ड्सवर्थ इस बच्चे से कहता है कि
मैं तुम्हें अब एक जोक कहूँगा, और ये वर्ड्सवर्थ अब जोक को कहना स्टार्ट करता है, और ये कहता है कि जो जो मैंने अब तक जितना भी बात तुमसे कहा है वो सारे चीज़ें झूठ थी। यानी कि ये जो वर्ड्सवर्थ जितना भी बात इस बच्चे को बताया था वो सब बात झूठ थी, और ये जो कहता था कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा पोएट हूँ ये भी बात झूठ थी। और अब ये वर्ड्सवर्थ इस बच्चे को फिर से एक वादा करने के लिए कहता है, और कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम यहाँ पर आज के बाद से कभी भी नहीं आओगे। तो ये बच्चा वादा कर कर यहाँ से चल देता है। और अब एक साल बाद जहाँ यानी कि जिस स्ट्रीट पर इस वर्ड्सवर्थ का घर था, ये बच्चा वहाँ पर फिर से आया है, और ये देखता है कि यहाँ पर वर्ड्सवर्थ का घर नहीं है, और यहाँ पर वर्ड्सवर्थ भी नहीं है, और वर्ड्सवर्थ के जो ट्रीज थे वो भी यहाँ पर नहीं है। और इस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि वर्ड्सवर्थ कभी था ही नहीं, यानी कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो दोस्तों यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है, और मैं ISC लिटरेचर के सभी चैप्टर्स को कवर कर रहा हूँ। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।